अरे तेरो मेरो खेतन में होगो आज संग्राम। अरे तेरो मेरो खेतन में होगो आज संग्राम। खोल के पलक देखी तेरा शंकु खेत नाम। ऐसा हुआ प्रशंकु ने तलवार फेंक दी, आगे बढ़ करके कहा अब तो कुछ नहीं है मेरे हाथ में। अरे खोल के पलक देखी तेरा शंकु खेत नाम। थोड़ी देर बाबे तोरी नमक पठाऊ धाम। अरे राखिल परेखे अरु मैं तिलाइए अरमान। तोते कर्म किए तेरी अब न बचेगी जान। अरे खोटे कर्म किए तेरी अब न बचेगी जान। शीश पे पुकारो काला हाथ ले। शेर के सामने बोले त्रशंकु जिंदा नहीं रहेगा। अरे पल करे दोनों जीव आपस में भिड़े गए। अपने हिताओं पे तो दोनों जीव कर रहे कोई न काहू पे एक दिल। अपे अपे चक्कर में दोनों शेर का चक्कर में की गर्दन पल्ले पर जाए और त्रशंकु का चक्कर में पांव पल्ले पर जाए। भाव का आगे। अरे थोड़ी देर बाद ही न मैया को मनाए लियो। तेरा बंधन लाल सोई बैठक लगाए गयो और पकड़ी के पैर जाने से रही। संदूक लगाए कि बैठक बैठे शेर को पांव कर उठा ले। अरे पकड़ी के पैर सोई शेर आई उठाई ली। चक्कर लगाए वो तो धरती पे मार दी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैया का ध्यान लगा करके पांव पकड़ के उठा लेंगे और जो चक्कर लगाए कि धरती में दो पैर पर पैर रख करके शेर को फाड़ दिया अंदर लगा। अगर कोई शर्त लगी हो वो शर्त पूरी है जाए और सौ ब्याह में विवाह वो लड्डू होता है जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है सो ज्यादा पछताता है। मेरे भगवत श्रोताओं हाथ में गदा पुनः उठा करके त्रशंकु शेर का वध करके लौट रहे थे अपने बाप के जोरां के लिए। शरीर में खुशी ही खुशी थी, शरीर प्रफुल्लित हो रहा था। क्या देखा रास्ता में एक गाय चल रही है। गाय चल रही है रास्ते में। शरीर में जोश भरा हुआ था त्रशंकु के, हाथ में गदा लगी हुई थी, गदा को हिलाते हुए बढ़ रहे थे आगे और गाय को सामने पर देखा खींच गैया के ऊपर गदा का प्रहार किया है। जो गदा गैया के लगी
आरे भूपति किस्मत फूट गई, और गैया पे भयो प्रहार कमर गैया की टूट गई। ऐसा हुआ जो खींच करके गदा का प्रहार किया, जब हुई तो जबर प्रहार कमर गैया की टूट गई। जो गैया के गदा लगी कमर टूट गई, और जो कमर टूटी गैया की अरे मात की दशा भी गरी गई है, चोट झिली है नाए नाई धरती पे गिरी गई है। एक हार आया है डग्गू कुमार साहब की तरफ से, ये हमारे शिष्य अवनीश के भतीजे हैं, कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, भरतपुर से आए हैं। ये भरतपुरा से आए हैं, कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे। अरे मात की दशा भी गरी गई है, जब चोट मिली है नाए नाई धरती पे गिरी गई हेवेंद्र। ये भरतपुरा से आए, कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। मेरे भगवत श्रोताओं, जो गाय धरती पे गिरी तब कई राजकुमार खड़ा हो जा, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, बे अपराध मारा तूने मुझे, तो सुन अब मेरी भी सुनता जा। बोली गाय तेने बहुत दई विपदा है, मेरो वचन न होए जुदा है, और भोजन के मत बने गधा है। गाय ने श्राप दिया, बे अपराध मारा मुझे, जैसे ही भोजन का ग्रास मुंह में तोड़ करके देगा तू गधा हो जाएगा। है जो श्राप लगो, जितनी ब्याह की खुशी हती सब गायब रह गई। अब बिना भोजन के कितने दिन कट जावे, बिना भोजन के कब तक समय कटेगा, भोजन तो करना ही पड़ेगा, तो भोजन मैंने खायो मैं कथा बन जाऊंगा। लौट करके अपने पिता के पास पहुंच गए, कहा पिताजी मैंने शेर मार दिया। मार दिया, बहुत अच्छी बात है।
बोले लल्ला तो फिर चेहरा काय उतरो तेरो अब शेर तेने मार दिया है तो विवाह हम करवा देंगे। कंकन बांध दिया हाथ में और बारात लेकर के सिंहपुर में पहुंच गए। पूरे सिंहपुर नगर में सूचना पहुंच गई कमला के लिए जो लड़का है वो बरना बन के बहुत बलवान है शेर मारो बने पूरे नगर बेताब है रहा बरना को देख देख ले भीड़ इकट्ठी है रही है। बरात दावत के लिए बैठी लंबी पंक्ति में भाई पंक्ति में बरना बैठो है सब बरात तो बड़े बड़े सुंदर व्यंजन बने हैं सब खा रहे हैं बैठे बैठे और लड़का के पेट में भूख उठ रही है करूं का भोजन तो बढ़िया सामने धरो है और मैंने भोजन खाओ में कथा भाओ चेहरा पर उदासी थी त्रसंकु के त्रबंधन विचार कर रहे शेर मारे आवा फिर उदास काय हुए लला भोजन कर लियो चुप हुए सुन सब की रहे चुपचाप बैठे। सिंहराज महाराज आए लला काय को नाराज हो पूरो नगर तुम्हारे गीत गा रहो है बहुत बलवान बरना हो और तुम्हें चिंता दहेज की रही होगी जो मांगोगे सो दूंगा समझे जो महत्व निकालोगे सो इच्छा पूरी करूंगा पर भोजन खा लो लला उनके पेट में बारह बद्ध की दाएं चल रही है भोजन कैसे कर लूं काउत कुछ कहता ही ना है चुपचाप बैठे यहां तक हुआ कि सवरी बरात भोजन करके उठ गई पर लड़का ने कोरा ना तोरो काउ बड़े बूढ़े ने कही तो मनाई जान तो लड़का खातो माड़े के नीचे सो लड़का को माड़े के नीचे उठा ले गए और जैसे वहां पांत की लाने में बैठे थे और तैसे ही माड़े के नीचे बैठे हैं चार पाई पे पलंग पे बैठे हैं आंगन में। सास ने बड़ा सुंदर थरिया सजाई लेके आई लला भोजन कर ले हो पूरो नगर थूक रो लड़का पतो ने काय बात पर उठ गो जो मांगोगे सो मिलेगा भोजन कर लो उनको दिमाग कहां लगो है मैंने ग्रास तोरे के मुंह में दौर में गदा भो वे तो भोजन ना कर रहे डर के माए गदा ना बन जाए और नगर में चक चक फैल गई कि लड़का रूठ गो है। लड़का तो बलवान है और रूपवान भी है पर जिन मालूम पर रही रूठो खाए पे भोजन ना खा रहो पूरे नगर में सूचना पहुंच गई। अब जो लड़की कछु सारी लगते थी कछु उनमें सरेजे लगते थी सो खिल्लियां उड़ाते भाई बोली मैया मैं बताऊं जो भोजन क्यों ना कर रहे बोली अरे इनके मुंह में दांत नहीं है एक लड़की बोली इनके दांत ना आए दूसरी बोली दांत तो हैं इनके पेट में आत नहीं है तासे भोजन खात नहीं है ठीक है एक ने की दांत ना है इनके तास ना है एक बोली आंत ना है पेट में भोजन पचाए को कब जाना है तरह तरह की बातें है रही हैं त्रसंकु सुन सब की रहे पर नीच नजर करे बैठे हैं उनको दिमाग कहां लगो है मेरे भोजन खाओ और मैं गदा बहो सब मूड मार मार के हार गए पर बरना ने कोरा ना तोरो एक चतुर लड़की रह सो बोली मैया मुझे तो ऐसी लग रही है कि इंतजा को ब्याह है रहो कमला जी को सोए ने देखी ना है ये तासे रूठे बैठे हैं तू एक काम कर दे कमला तो ना कह दे सो बेई मनाई लेगी
मैया ने जाए के पई लड़की से कही लली बरना रूठ गो काऊ के कब्जा से ना मन्नो ते मान्य तो तू ही मना ले। आज कमला मनाएवे के लिए भोजन की थाली तैयार कर रही है और सामने जाने के लिए कर्म कौन सा करती है।